मतलब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों बच्चे सबसे ज्यादा ये सोचते हैं कि यार पहले प्रोफेशनल की पढ़ाई कंप्लीट कर ले, पेपर दे ले, या फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ले, क्योंकि आर्टिकलशिप में हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉ में कैसे होता है वो सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल सही है कि लॉ को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये आपको आर्टिकलशिप में सिखाया जाएगा। बट बच्चे एक बार बात बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि जितना जरूरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ को समझना है उतना ही जरूरी आपके लिए एग्जाम क्लियर करना भी है। सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज वंदिता त्रिपाठी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, सुपर एंड ऑसम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी माफी कि इतने टाइम बाद एक वीडियो आ पाया है, बट थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण आई हैव नॉट एबल टू पोस्ट एनी वीडियो। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप जो आपके पास वीडियोस आए वो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स में आए। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पर होने वाला है कि यार आर्टिकलशिप हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए। अब मेरे जैसे आप लोग बहुत सारे होंगे जिनका माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि आर्टिकलशिप कब शुरू करें। अच्छा, मैं आप लोगों को इस बारे में इसलिए एडवाइस दे सकती हूँ क्योंकि मेरी अभी जस्ट आर्टिकलशिप एंड हुई है, ठीक है। और मैंने जब अपनी आर्टिकलशिप शुरू करी थी तो मेरे माइंड में भी ये वाले डाउट थे कि आर्टिकलशिप कब स्टार्ट करें, एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट करें या प्रोफेशनल के बाद स्टार्ट करें, पढ़ाई को पहले प्रेफर करें या फिर आर्टिकलशिप को पहले प्रेफर करें, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों के माइंड में अगर ये डाउट आ रहा है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों के माइंड में आर्टिकलशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहला सवाल हम लोगों के मन में आता है वो ये आता है कि यार एग्जीक्यूटिव के बाद आर्टिकलशिप शुरू करें या फिर प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद। मतलब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों बच्चे सबसे ज्यादा ये सोचते हैं कि यार पहले प्रोफेशनल की पढ़ाई कंप्लीट कर ले, पेपर दे ले, या फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ले, क्योंकि आर्टिकलशिप में हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉ में कैसे होता है वो सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल सही है कि लॉ को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये आपको आर्टिकलशिप में सिखाया जाएगा। बट बच्चे एक बार बात बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि जितना जरूरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ को समझना है उतना ही जरूरी आपके लिए एग्जाम क्लियर करना भी है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज माय एडवाइस कि आप लोग प्रोफेशनल के एटलीस्ट दो ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करिए, ठीक है। अच्छा, इसका क्या रीजन है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो सीधी सी बात है, एक चीज पहले ही आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं, ये एक एडवाइजरी है, मतलब मेरे एडवाइस है ये। आप लोगों को अगर कोई और अच्छा प्लान लगता है तो आप बिल्कुल उसे फॉलो कर सकते हो, बट मैंने अपने पिछले करियर में जितना देखा है वो यही देखा है कि जो सबसे पहले प्रेफरेंस पे रहनी चाहिए वो है आपकी स्टडीज, ठीक है, आपके एग्जाम्स। आपके एक बार वो क्लियर हो गए ना, आप एक माइंड से थोड़ा सा फ्री रहोगे कि हाँ यार अब एग्जाम क्लियर हो गया है, अब पूरा फोकस हमें आर्टिकलशिप पे करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको एग्जाम्स की लीव लेनी पड़ेगी बहुत सारी उसी आर्टिकलशिप के बीच में, आपके माइंड में एग्जाम्स की टेंशन भी रहेगी। तो ये बात का ध्यान रख लेना कि एग्जाम मैक्सिमम आपका पोर्शन स्टडीज का कंप्लीट हो गया हो तब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करो। मतलब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, मेरी एडवाइस है कि पहले प्रोफेशनल के दो ग्रुप एटलीस्ट दे लें, कंप्लीट कर लें, रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करो। अगर एक ग्रुप रह गया है फिर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लो, उसके साथ साथ आप देते रहना। और प्रोफेशनल वाले बच्चे तो जिनका दो ग्रुप हो गया है वो ढूंढना शुरू करते हैं आर्टिकलशिप, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी और डाउट इस वाले पॉइंट से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में है तो, ठीक है। अब जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि दीदी कंपनी से आर्टिकलशिप हमें कंप्लीट करनी चाहिए या फिर फर्म से, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये हर एक बच्चे के माइंड में आता है जो कि सीएस कोर्स में है, ठीक है, कि कंपनी में आर्टिकलशिप करें या फिर फर्म में करें। तो इसका सीधा सा आंसर यह है कि आप देखो आपको लॉन्ग टर्म किधर जाना है। आपका अगर लॉन्ग टर्म है, आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट है कि अगर आपको कंपनी में जॉब करनी है, आगे चल के आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सेल करना है, तो बिल्कुल 100% आप 21 महीने की इंटर्नशिप कंपनी से करिए। लेकिन अगर आपका क्लाइंट सर्विसिंग का और खुद का बिजनेस करने का सपना है या फिर ऐसा कुछ है, आपको खुद की फर्म खोलनी है, तो फिर आप फर्म में इंटर्नशिप करिए, ठीक है। तो फर्म में इंटर्नशिप जिनको बिजनेस करना है या फिर क्लाइंट सर्विसिंग करनी है, क्लाइंट्स बनाने में बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, लोगों को क्या कहते हैं, लोगों से काम लेने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग अपने काम में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग फर्म की तरफ जाएं। और जिन लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सेल करना है, जिन लोगों को
नौकरी की तरफ जाना है और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी चाहिए हर मंथ के एंड में, एक थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, वो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के साइड जाए, मतलब कंपनी से आर्टिकलशिप करें। अब कंपनी भी में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी। तो इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी, जा करके वो जरूर देख लेना, उससे आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो ये वाला डाउट भी क्लियर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, हमने ये भी सोच लिया कि हमें प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग करनी है, हमने प्रोफेशनल के 2 ग्रुप भी दे लिए, हमने अप्लाई भी कर दिया, हमें आर्टिकलशिप मिल भी गई। अब हम कैसे चूज करें कि हम जहाँ आर्टिकलशिप करने जा रहे हैं वो जगह सही है कि नहीं? अब यार देखो, रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व होता है, ठीक है? रिस्क 100% तो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो, बट एक चीज का आप ध्यान रखना, अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल के अभी आपके 1 या 2 ग्रुप क्लियर नहीं है, इसके बाद आप इससे पहले ही आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम्स के लिए लीव चाहिए होंगी। तो जहां भी आप ज्वाइन कर रहे हो, जिस भी जगह आप ज्वाइन कर रहे हो, तो अपने मैनेजर से ये चीज जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम्स के लिए कितनी लीव्स मिलेंगी, ठीक है? मैंने देखा है एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो कि परेशान हो जाते हैं, उनको लीव्स नहीं मिलती हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है? तो ज्वाइन करने से पहले ही आपको अपने तरफ से आपके मैनेजर की ओर से क्लियर कर लेना है कि आपको एग्जाम टाइम कितने दिन का लीव प्रोवाइड होगा, तो आपको अकॉर्डिंगली शुरू से ही आपका स्टडी मैनेजमेंट उसी हिसाब से करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, आपको एग्जाम है आने वाले मई में, ठीक है? आने वाले मई में या फिर दिसंबर 2024 में, तो आपको आपकी स्टडीज उसी हिसाब से प्लान करके चलनी पड़ेंगी ना, कि आपको एग्जाम से पहले मान लो 1 महीने का लीव मिलेगा, तो आपको उसी हिसाब से आपकी स्टडीज अभी से प्लान करके चलना पड़ेगा। तो लीव्स के लिए आपको पहले से ही बात करनी है आपके ट्रेनर से और मैनेजर से। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, इंटर्नशिप एक जर्नी है, ठीक है? इंटर्नशिप इट इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, ठीक है? इंटर्नशिप ढूंढने में से लेकर के इंटर्नशिप कंप्लीट होने तक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है? तो आप लोगों को बिल्कुल पेशेंसफुली, बिल्कुल पेशेंस रख के इंटर्नशिप को सर्च करना है, अगर आप सर्च कर रहे हो तो, बिकॉज टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं कि उन्होंने 2 कंपनीज में ही इंटरव्यू दिया और कॉल नहीं आ रहा, दीदी अब क्या करें क्या करें, बिल्कुल इम्पेशेंस नहीं होना है, ठीक है? आपने अप्लाई कर दिया है, साथ साथ आप पढ़ते रहिए, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए। इंटर्नशिप का तो यार वो तो एक ऐसी चीज है जो होनी ही है, वो आपको करनी ही है, वो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है? तो बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो आप लोगों को उसका डट के मुकाबला करना है, ठीक है? तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए टडा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टडा बाय बाय।